हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आधार इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेंस 2019 की कट ऑफ की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आधार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑथेंटिक कट ऑफ बताएंगे और पूरा पेपर का एनालिसिस भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो 11th 12th का जो पार्ट आया था, वो उसमें केमिस्ट्री के इस बार, हर बार तो 11th का पार्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन इस बार 12th के पार्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया था। केमिस्ट्री में 11th से 14 क्वेश्चन और 12th से 16 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 11th से 12 क्वेश्चन और 12th से 18 क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी 11th से 14 क्वेश्चन और 12th क्लास से 16 क्वेश्चन लिए गए थे पेपर्स के अंदर। और दोस्तों, पेपर का लेवल कैसा था और इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली, वो पूरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर तो इसका जनरल एनालिसिस अपन करते हैं तो पा रहे हैं कि जो पेपर का जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, वो एक मॉडरेट प्रकार का पेपर था। इसमें लगभग 25 से लगभग 30% पेपर जो था वो उसका लेवल्स कुछ टफ लेवल, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें, और बाकी अपन अच्छा पेपर कह सकते हैं इसमें। पिछली बार की तुलना में कुछ पेपर इस बार ईजी था। कट ऑफ मार्क्स हमने अभी आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में, अकॉर्डिंग आधार इंडिया यूट्यूब चैनल के। और हमने लगभग 200 स्टूडेंट्स पे एनालिसिस करने के पश्चात ये वीडियो तैयार किया है। कट ऑफ उसके पश्चात हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। चलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर आपको बता देते हैं कि मैथ्स के अंदर इस बार कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए थे। लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस का जो पार्टीशन था वो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, और वेक्टर और 3D ज्योमेट्री से भी 4 क्वेश्चन इस बार पेपर में आए थे। और केमिस्ट्री के अंदर भी इक्वल डिस्पेंस से और फिजिकल इनऑर्गेनिक, ये केमिस्ट्री का एकदम सभी पार्टीशन से इक्वल सा लिया गया था। और फिजिक्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और मैकेनिक्स से पेपर ज़्यादा लिया गया था। तो चलो दोस्तों, कट ऑफ कितनी रहेगी? दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, आपको बता देते हैं। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की 74 और ओबीसी की 45 नंबर और SC ST की 29 और 25 नंबर रही थी। तो दोस्तों, उसी आधार पे और हमने जो एनालिसिस किया उस आधार पे, लगभग 200 स्टूडेंट पे एनालिसिस करने के पश्चात जो कट ऑफ हमने बनाई है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलो दोस्तों, तो कट ऑफ कितनी रहेगी? तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जी मेन्स 2019 की जो जनरल कैटेगरी है उसमें 80 से 85 नंबर, जी दोस्तों, 80 से 85 नंबर रहने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। क्योंकि पेपर का लेवल्स अगर अपन बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट प्रकार का था, तो कुल मिला के और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 50 से 55 नंबर तक रहने की संभावना है दोस्तों। और साथ में एससी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 35 से 40 नंबर रहने की संभावना है। और साथ में दोस्तों, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे आए कमेंट्स के आधार पे आपको कट ऑफ बता सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको इसी प्रकार की न्यू अपडेट से तुरंत अपडेट कर सके। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।